अस्सलाम वालेकुम, बिल्कुल कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया जिस तरह आप इस शो को पसंद करें, अपना फीडबैक दे रहे, अपने कमेंट दे रहे। अपने कमेंट्स और फीडबैक जारी रखिएगा और गालियों पे थोड़ा हल्का हाथ रखें, ठीक है? पाकिस्तान टीम की जो परफॉर्मेंस है उस पर सब अपनी राय दे रहे हैं, मगर क्या कह सकते हैं। और आपने देख लिया, आज आप लोगों की रिक्वेस्ट पे हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत सारी मैंने इनसे रिक्वेस्ट करी थी, हाथ जोड़े थे, मेला सर आप क्यों नहीं आते, आप क्यों नहीं आते। तो उन्होंने बोला, भाई एक आप सॉरी कर ले, मैं आ जाऊंगा आपके। तो मैंने, सर मैं आपसे सॉरी कर रहा हूं। बट सॉरी कर ली तो आ गए हम। और आप कोहली के अगेंस्ट नहीं बोलिएगा, आप कोहली के अगेंस्ट बोलेंगे तो आप पे गालियां, वैसे गालियां नहीं दो भाई, गालियां नहीं देनी चाहिए, लेकिन यह है कि एकदम किसी के अगेंस्ट होना इतना अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ, जो अगर किसी के करतूत ठीक नहीं है तो सर मासूमाना सवाल भी नहीं बनता सर। नहीं, मासूमाना सवाल अपनी जगह है, बट पर्सनल होना वो ठीक नहीं है, लेकिन अगर खराब परफॉर्मेंस या कुछ होगा तो उस पे तो बात करेगा ना कोई भी, लेकिन आप अननेसेसरी नहीं करें, आप अगेंस्ट हुए चले जा रहे हैं, सारी पब्लिक आपको, जो हमारे पड़ोसी मुल्क की, आपको छोड़ेगी नहीं, ये मैं आपको बता दूं, और खास तौर पे हमारे इफ्फी भाई नहीं छोड़ेंगे, ये भी मैं बता दूं आपको अच्छा सर, विराट के हवाले से भी मैं आपसे बात करूंगा। सर सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, आपको कितना दुख हुआ इस शिकस्त पर? यार, हम तो आदी हो गए हैं इन चीजों को सहने की, और अपने टाइम में भी शिकस्त से हमने बड़ी खाई जरूर है, बट उसके बाद हम सोचते थे कि यार ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। अगर मैं वैसे बात करूं, वनडे एक हमारा इंडिया से हुआ था और 125 पे हमने उनको आउट कर दिया था, और 89 पे हम जो है आउट हो गए थे, तो 2 ढाई घंटे हमें स्टेडियम से बाहर ही नहीं निकलने दिया, पब्लिक बड़ी खूंखार हुई भी थी, और अफसोस हुआ जाहिर, और हमारे पास तो ब्रेन्स थे जाहिर, और हार जीत होती है, वो अपनी जगह है, वो टाइम में भी हमारी हार जीत हुई है काफी, जी, लेकिन उससे हम सबक सीखते थे, ये सबक नहीं सीख रहे, ये तो मौजे ही मौजा है सिर्फ, और कुछ भी नहीं, कहीं से ले लें, ऑफिशियल से लेके, और कितने जितनी बातें हो चुकी हैं, कितने जो है ना, वो जिसे कहना चाहिए कि कहा गया कि भाई वो होगी सर्जरी होगी, और पता नहीं क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल हुए, मगर पता नहीं क्या चीज है जो हाथ पैर बांध के रख देती है, यूं कि मैं नकवी साहब को जो है मैं तो सोच रहा था कि पता नहीं क्या होने लगा, लेकिन लोगों ने दायर है उनके करीब करीब लोगों ने कहा सर हमारे पीछे कुछ नहीं है, ये तो हम पहले कह रहे थे पीछे कुछ नहीं है, उन्होंने इंटरव्यू में कहा भी कि जी मैंने जब मुड़ के देखा पीछे तो ऐसा, तो ये तो हमें भी पता है पीछे कुछ नहीं, लेकिन कहाँ से शुरुआत हुई, कहाँ से शुरुआत हुई, क्यों हमारी परफॉर्मेंस क्या खराब थी, हम लोग थे वहां पे, एकदम आपने उठा के वहां प्रयास को लाके बिठाया, उसके बाद 2 और 3 उठा के फिर मिसबा, नंबर 9 पे थे सर, हमारी परफॉर्मेंस खराब थोड़ी थी, नंबर 9 पे आप थे वनडे में, समझे आप, और फिर मिसबा साहब अभी तो सारा वही मिसबा चला रहे हैं मेरे हिसाब से, खुर्रम मियादी के साथ सर फॉर्मर क्रिकेटर कह रहे हैं कि कहानी वहां से खराब हुई ये जहां से बाबर को कप्तान बनाया और सरफराज को हटाया। जब पुरानी बात है उसकी, तो मैंने स्टोरी, मेरे पे भी 2 4 कूद के आ गए थे, लेकिन फायदा नहीं उनके कूदने का, अब मैं उसको डिस्कस इसलिए नहीं करूंगा कि बहुत हुआ, बहुत कुछ हुआ, और आई थिंक मेरी अपना ओपिनियन है, मैं वो बच्चा है सारी यार, ठीक है इस वक्त की क्रिकेट वो खेल रहे हैं, अपनी जगह है सारा, बच्चा है अपनी जगह, गलतियां तो उनकी थी ना, जो गलतियां थी उसका खमियाजा, देखिए यहाँ एक ये चीज नहीं चल रही कि कौन है, जिस वक्त उनको तीसरा तीन तीसरे फॉर्मेट का कप्तान बनाया गया ना, और मैं वहां मौजूद था प्राइम मिनिस्टर की हॉल में जहां पे ये तकरीब हो रही थी, और शहरयार साहब ने जब बनाया, मैंने जी सर, लोगों के चेहरे के तोते उड़ते हुए देखे, मैं बता रहा हूं आपको कि वो कह रहे थे ये क्या हो गया, तो बारहा पांच चीजों में मैंने कोशिश भी की कि बहुत जिम्मेदारी है, ये आपके लिए खुश नहीं है, जो आपको कहते थे सरफराज भाई, मैं बाबर की बात कर रहा हूं, तो क्या हुआ बाद में, क्या हुआ आपको समझने क्या हुआ, लेकिन हाँ बिल्कुल, जब कप्तान आदमी बनता है तो वो सोचता है कि यार इसको भी लेके चलूं, उसको भी लेके चलूं, उसको भी लेके चलूं, ऐसे नहीं होता, थोड़ा
थोड़ा स्टैंड लेना पड़ता है। मैंने मैंने कई लोगों को देखा है ऐसे स्टैंड लेते हैं कि आप सोच नहीं सकते। तो मतलब वो तो कहानी वहां से खराब हो ही गई, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो उससे भी वर्स था, क्योंकि ऐसे लोगों को आपने लाके बिठाया, जिसमें खास तौर पे वहाब रियाज की बात कर रहा हूं मैं, आप मतलब आई मीन आपकी मतलब बैठे हुए सब अच्छा भला चल रहा है, आने के बाद आप जो है ना हबड़ दबड़ मचा दी, और बस फिर नकवी साहब ने जो है वो मेरा ख्याल है पता नहीं कौन सी मजबूरियां उनको लेके बैठी के अभी तक पूछा नहीं कि क्या भाई क्या हुआ, क्या वो अमेरिका के खिलाफ और इंडिया के खिलाफ हुआ क्या। इंडिया के खिलाफ तो चलो हार ही जाते हैं, उसमें कोई ऐसा नहीं है, हार जाहिर है, लेकिन वो बुरी शिकस्त थी, एक आपको 2.5 का एवरेज भी आप नहीं कर सके, और फिर हमारे कुछ लोग रोने भी लगे टीवी पे बैठ के कि वह हार गए हार, खुदा का वास्ता। उनके आंसू बहुत निकलते हैं, एक दो हमारे हैं टीवी पे बैठते हैं उनके आंसू बहुत निकलते हैं भाई, 2 मिनट में रो पड़ते हैं, सिर्फ मतलब की वजह से रो पड़ते हैं 2 मिनट, क्या बात करूं हम। चलिए अच्छा सर, आप जैसे अभी खबर भी चल रही है कि शान मसूद को हटाया जा सकता है, क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक बार फिर सरफराज पे जा सकता है? मुझे मुश्किल लग रहा है। देखिए सरफराज जब हो सकता है जब रिजवान बाहर होगा, और फिल्म अच्छा। मुझे इस मैच से तो नहीं, उसकी परफॉर्मेंस तो आई भी है ना, टीम के साथ चला जाए वो अलग बात है, जाहिर जाएंगे जहां भी होगी परफॉर्मेंस, लेकिन फिल्म मुझे नहीं लग रहा, और अगर बनाएंगे तो एक ये बहुत बड़ी वो होगी, और उसके बाद जो होगा ना नकी साहब वो भी रहे नाम अल्लाह का। सरफराज का फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप? यार फ्यूचर क्या खेल रहा है देखें, अभी उसको फ्यूचर तो वो खुद सेट करेगा ना अपना कि मेरा फ्यूचर क्या है, मैं क्या है, मगर ये हबड़ दबड़े मची हुई है ना, तो कोई भी नहीं छोड़ना है, इसलिए नहीं छोड़ेगा कि भाई ये क्या है? इनकी तो परफॉर्मेंस ही कुछ नहीं है। एक टाइम ऐसा आएगा आप लोग कह रहे हैं उनको भी खिला के खिला लें साथ, तो खिला लो भैया खिला लो, अब जब कोई कुछ नहीं कर रहा तो उन्हें खिला लो, ऐसी कौन सी बात। सही। अच्छा ओवरऑल सर इंग्लैंड के बैट्समैनों के हवाले से क्या कहेंगे? ट्रिपल सेंचुरी भी देखने आई, डबल सेंचुरी भी आई, उनके फॉर्मर क्रिकेटर तो कहते ये कब्रिस्तान है बॉलर्स के लिए, लेकिन हमारे बॉलर फायदा नहीं उठा पाए, उनके बॉलर ने उठा लिया। नकी भाई देखिए ये बांग्लादेश से शुरू हुआ, इन्होंने बांग्लादेश से पिच पे जब ग्रास रखी ना तो ये सारे ये थे कि हम बांग्लादेश को पकड़ लेंगे, लेकिन ये नहीं सोचा कि हमारा क्या होगा, कुछ समझ रहे थे इनके तो बच्चे बॉलर हैं फास्ट बॉलर ऐसे हम, तो वहां उन्होंने जो है सारा मामला ही खराब कर दिया बांग्लादेशियों ने। अब जब इतना कुछ हुआ और इतना लोग शोर मचाने लगे सभी, तो इन्होंने कहा इधर आते हैं हम, ये और ये बैटिंग ट्रैक ही खेलती है एक्चुअल, मैं भी यहाँ पे देखा है, मैंने मैं रहा हूँ कोच के हैसियत से यहाँ पे रहा हूँ, बहुत रन बनते हैं और वो बने रन, लेकिन मेरा अपना ये कहना था कि देखें यार ऐसा कुछ रखें जिसमें से तीसरे से चौथे दिन जो है जरा टर्न होना शुरू हो जाए, लंबा टर्न हो। तो अब जब एक स्पिनर खिलाया तो मैंने कहा अच्छा हुआ नहीं रखा भैया कोई ऐसी चीज, इसलिए कि यार आपको कह रहा कि टीवी पे पास खिला रहे हो, 2 स्पिनर आपके बनते हैं और रेगुलर स्पिनर बनते हैं, वो ऑलराउंडर भाई, ऐसे ऑलराउंडरों का हमें उनकी बॉलिंग चाहिए, ठीक है आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमें पता है कि आप कुछ कर नहीं सकते हैं, इसलिए कि आपको फिक्र है कि यार हम क्लैप्स ना हो जाए। क्रेडिट देता हूँ 2 आदमियों को इसको पहली इनिंग में, हकीकत है पिच को हटके शान मसूद और बाबर ने जो इनिंग खेली, सॉरी सलमान अली आगा, उन्होंने जो इनिंग खेली थी ना वो इस वक्त क्रिकेट के हिसाब से खेली और अटैकिंग क्रिकेट खेली शान मसूद ने बहुत अच्छा, बट उसके बाद क्या हुआ? दाऊद शकील साहब किधर, कौन से एवरेज से खेल रहे थे, कौन से स्ट्रेटेजी उनकी आप बात करें, उन्होंने क्या स्ट्रेटेजी बनाई थी आप जरा देख तो लें, वो लीच ने अभी 4 आउट किए, उसने कितने ओवर किए, 6 ओवर, 6 से 7 ओवर किए उसमें 4 आउट किए, उन्होंने इतना संभाल के अपने बॉलरों को यूज किया नकी साहब के सारा ही कुछ हुआ, जरा देख तो लें उठा के। पहले उन्होंने एक तो टीम में उनके नए एक दो फास्ट बॉलर थे उनको देख लें कि उन्होंने उनके साथ उनको किस तरह यूज किया, फिर उसके बाद आप देखें
वो आए पहले बाउंसरों पे, उन्हें पता था कि पाकिस्तानी हल्के हैं, वो इस पे आए मगर डेड पिच थी, चले आपने कर लिया। उसके बाद वेरेंटेर तो आनी थी चौथे दिन पिच पे, तो नतीजा सामने, उनकी हिकमत अमली हमसे फॉर बेटर, फॉर बेटर। सर अबरार क्यों नहीं चल पा रहे, और फिर शाहीन और नसीम का आपको फिटनेस का मसला लग रहा है वाकई में? आप इनकी टेस्ट क्रिकेट इनको नहीं खिलाना चाहिए? यार देखिए, अब वही इनसाइड जो चीजें हैं ना वो हैं, इतने कंट्रोवर्सीज हुई हैं सब में। देखो अभी बदायर हमें नजर आ रहा है कि परफॉर्मेंसेज बहुत खराब, कुछ प्लेयर हैं खिला दें आप, ये फास्ट बॉलर भी मौजूद हैं, अमीर मीर हमजा को बिठाने की तुक क्या थी, वो वही ऑलराउंडर खिला रहे हैं, अहमद जमाल उन्होंने कर लिए 50, बहुत अच्छा किया 50 कर लिए, ठीक है। हमें बॉलिंग ज्यादा तगड़ी चाहिए, ये 800 रन बनवा के हमें इस 50 और ठीक है क्रेडिट जाता है भाई, कोई नहीं कर देखो, हाँ ये जरूर कह सकते हैं ओ भाई देखो जरा टेल ने जाके इतने कर दिए इतने कर दिए, वो अपनी हद तक है। उनकी 20 विकेट कौन ले रहा है, कौन ले रहा है नकी साहब? और एक बात और बताऊं, ये आवे का आवा बिगड़ा है, हम क्रिकेट बोर्ड पे इतनी बात कर चुके हैं, हम पूरी मैनेजमेंट पे इतनी बात कर चुके हैं, आपको पता है क्या हुआ है? आपके सेलेक्टर जो सारे साहब थे वो तो वहां बैठे हुए हैं, अमेरिका में खेल रहे हैं असद शफीक साहब, टीम यहाँ लगी है जो मुझे पता चला। उसके अलावा भाई वो दो आदमी आपके, हम पहले कह रहे हैं नुमान को बुला के लेग स्पिनर, वो है उसको ये कह के बाहर किया इन्होंने जाहिद महमूद को, कि भेज दिया उन्हें घर भेज दिया भाई, वो अपने क्लब उसके डिपार्टमेंट का मैच खेलने गए हुए, उनको कहा कि आप 15 में नहीं थे इसलिए हम आपको भेज रहे हैं। आप देखो अकल की बात देखो कि भाई अबरार अनफिट हो रहा है, कुछ तो रखो। नुमान को ये कह दिया फिटनेस का प्रॉब्लम है, किस किस की फिटनेस खराब हुई हुई थी हमें सब पता है कि कितने प्लेयर इनमें जो खेल रहे हैं इनकी फिटनेस थी नहीं, चला दिया जिसको चाहे पास कर दो जिसको चाहे फेल कर दो। तो ये करेंगे तो बस चलो ठीक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, कुछ भी नहीं है, मजाक उड़ रहा है सर आपका, लोगों से छत अम्ब्रेला तो पकड़ी नहीं जा रही तो बाकी चीज क्या यार। हाँ